दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने राजू हकला नाम के एक ऐसे शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है जिसके ऊपर लूट हत्या के 113 मामले दर्ज हैं। ये आनंद पर्वत थाने में बीसी भी रह चुका है। बीसी का मतलब बैड करेक्टर। जी हाँ, आप देख सकते हैं पुलिस की गिरफ्त में खड़ा ये शातिर बदमाश राजू हकला है। अपराध की दुनिया में सेंचुरी पार कर चुका है और इसके ऊपर लूट हत्या डकैती के 113 मामले भी दर्ज हैं। राजू उर्फ हकला दिल्ली के आनंद पर्वत इलाके का हिस्ट्री शीटर बदमाश है। इसके साथ ही ये आनंद विहार थाने में बीसी भी है। दिल्ली पुलिस को एक सूचना मिली थी कि राजू उर्फ हकला दिल्ली के ब्रिजवासन में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने जा रहा है। तभी पुलिस ने वहां ट्रैप लगाया और जब पुलिस ने उसकी गाड़ी रोकी तो उसने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने तुरंत ही कार्रवाई करते हुए इस शातिर बदमाश को काबू कर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक राजू हकला 1994 से ही लगातार अपराध की दुनिया में सक्रिय है, जिसमें उसने कई बड़ी वारदातों को अंजाम दिया है। राजू उर्फ हकला ने आनंद पर्वत इलाके के सारे बैड करेक्टर्स को मिलाकर एक गैंग बनाया और फिर उन्हीं के साथ वारदातों को अंजाम देता रहा। आपको बता दें, ये अपराधी कुछ ही दिनों पहले जेल से बाहर आया था और बाहर आते के साथ ही इसने व्यापारियों, सेठ कारोबारियों से एक्सटॉर्शन मनी की मांग करनी शुरू कर दी। इसने बताया कि अपने किसी साथी से मिलने जा रहा था और वहां से मिलके उसको उसके बाद अमन विहार के इलाके में जाना था। सर, एक चीज पता चला, तिहाड़ जेल में था तब भी इसने वहाँ पे किसी की पिटाई कर दी थी, किसी बड़े नेता की, डीपी यादव की पिटाई की थी, कुछ ऐसा भी सर कुछ पता चला है? ये इसने मारा था, इस पर हम और पूछताछ कर लेते हैं, हमारी नॉलेज में नहीं आई। इसके राजू हकला एलियस राजू खंडेलवाल, एक दशक वाला, ये 113 मुकदमों में अभी तक जो हमारे पास डिटेल है उसमें इन्वॉल्वमेंट पाई गई है और ये पिछले लगभग 97 से लेकर 2010-12 तक एक दशक से भी ज्यादा पीरियड तक इलाके के क्रिमिनल्स और अदर बीसीज के साथ मिलकर एक गैंग चलाता था और इसने स्पेट ऑफ रोबरी, स्नैचिंग और उस समय मर्डर और एक्सटॉर्शन के बहुत सारी वारदात की थी। अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगी तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक कीजिए और अगर आप ये खबर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल punjabkesari.com को सब्सक्राइब कीजिए। प्रतीक शर्मा के साथ गौतम तिवारी की ये रिपोर्ट।